धातुओं की आघात वर्धनीयता या धातुओं का लचीलापन। आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ का वो गुण है जिसमें कि उसे बगैर तोड़े मोड़ा जा सकता है या फिर हथौड़े से पीटकर कई आकार दिए जा सकते हैं। आमतौर पर धातुएं आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती हैं। आघात वर्धनीयता में धातुओं को हथौड़े से पीटकर उनकी पतली चादरें या शीटों बना लेते हैं। धातुओं के इस गुण का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। धातुओं की चादरें बनाई जाती है जिनका कि इस्तेमाल फर्नीचर बनाने और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल निकायों को आकार देने के लिए किया जाता है। सोना और चांदी अत्यधिक लचीली होती है और इसलिए इनका इस्तेमाल उत्कृष्ट ज्वेलरी या आभूषण बनाने में किया जाता है। चांदी की चमकी बनाने के लिए चांदी की चादरों को तब तक पीटा जाता है जब तक कि वो बेहद पतली नहीं हो जाती हैं। चांदी की इस चमकी को वरक कहा जाता है। इस वरक का इस्तेमाल बर्फी और इमरती जैसी मिठाइयों को सजाने के लिए किया जाता है। धातुओं के लचीलेपन और गैर धातुओं के गैर लचीलेपन को दर्शाने के लिए हमें ज़रूरत है एल्यूमिनियम का तार, लोहे की कील, तांबे का तार, मैग्नीशियम का तार, लकड़ी का कोयला या चारकोल, ग्रेफाइट और हथौड़ा। हम लोहे की कील के साथ शुरुआत करते हैं। इसे फर्श पर रखें और इस पर हथौड़े से 10 बार प्रहार करें। अब एल्यूमिनियम के तार पर हथौड़े से प्रहार करें 10 बार। तांबे के तार पर हथौड़े से 10 बार प्रहार करें। लकड़ी के कोयले पर हथौड़े से 10 बार प्रहार करें। ग्रेफाइट पर हथौड़े से 10 बार प्रहार करें। अब सभी नमूने का एक साथ परीक्षण करें। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि धातुओं की वस्तुएं हथौड़ा से पीटने पर चपटी हो गई, जबकि गैर धातुएं केवल टूट गई। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातुएं गैर धातुओं की तुलना में अधिक लचीली होती है। सवाल जवाब, तो क्या सभी धातुएं लचीली होती है? नहीं, इसका एक उदाहरण जस्ता है। यह धातु कमरे के तापमान पर लचीली नहीं होती है। इसका कारण यह है कि कमरे के तापमान पर जस्ता एक नियमित क्रिस्टलीय संरचना के रूप में रहता है। इसका मतलब है कि इसमें कई स्तर होते हैं जिसके साथ इसे खंडित किया जा सकता है। हालांकि जब इसे 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऊष्मा जस्ते के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ढीला करने के लिए पर्याप्त होती है। यह इसे इतना लचीला बना देती है कि हथौड़े से पीटकर इसकी चादरें बनाई जा सकती है। सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? सोना सबसे अधिक लचीली धातु है। असल में यह धातु इतनी लचीली होती है कि यदि हम शुद्ध सोने के आभूषण बनाएं तो ये आभूषण बहुत आसानी से मुड़ या चपटे हो जाएंगे। यही कारण है कि हम आम तौर पर 22 कैरेट सोना के आभूषण बनाते हैं जिसमें कि 8% चांदी या तांबा मिला होता है।